लो जी, रमज़ान ख़त्म, ईद शुरू। हेलो 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 मालेजी हिप्पोस, तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हाँ तो यार, कभी ऐसा भी होता है कि ईद वाले दिन शीर खुरमा ना बने? अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शीर खुरमा खाना। और आप देख सकते हो, बस ये बन के तैयार है, तो बस प्याली में निकाला और चलो उसको जल्दी से खाते हैं, क्योंकि रहा नहीं जा रहा। बट रहा नहीं जाने के चक्कर में मुँह में गर्म गर्म लग गया, तो रीटेक लो दोबारा से भाई साहब। तो यार ये लो रीटेक 2। मजाक के अलावा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सुभान अल्लाह। मौसम का क्या कहना है, ईद वाले दिन देखो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है। और आज मैं पहन रहा हूँ ब्लैक रंग का कुर्ता, लड़कों का कुछ इतना दिखाने वाला होता नहीं, बट स्टिल यहाँ पर शूज़ से निकाल रहा हूँ कागज़। और उसके अलावा पहन रहा हूँ गोल्ड की घड़ी, 24 कैरेट्स की है गाइस। एंड उसके बाद ये परफ्यूम मैंने निकाला, मैंने कहा आज ये ज़रूर लगाऊंगा। और उसके बाद बस अब आपको अपना ड्रेस दिखा रहा हूँ कि यार आज मैं इस तरह का तैयार हुआ हूँ, बस जैसा हूँ आपको दिखा दिया मैंने। और उसके बाद चलो बाहर चलते हैं अपने दोस्त से मिलने। एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब भी थी, तो मैंने कहा यार ज़्यादा शूट उसके साथ नहीं किया, कि बाहर का शूट किया, तो वो देख लो हैं। तो यार ईद के दिन बच्चे घर में चुप करके बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई नई नई ईदी मिली होती है, तो कतलम्मा बस खाने के लिए आ गया हूँ, बस ले लिया है। अब बर्गर कहेंगे भाई ये स्पाइसी रोटी, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एंड उसके बाद मैंने खाया पास्ता। तो सुन लिया आपने, अभी तक देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।